प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 सितंबर को नीमच जिले में रहेंगे। वे 30 सितंबर को नीमच जिले के जावद में आयोजित होने वाले भूमि पूजन व लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। सीएम चौहान यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। वहीं इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट का विमोचन और आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी करेंगे। जावद की कृषि उपज मंडी में 30 सितंबर को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाला कार्यक्रम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ते गांव के आतिथ्य में संपन्न होगा। जन कल्याण और सुराज अभियान अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र का वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के हमारे यशस्वी नेता, हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच 30 तारीख को आ रहे हैं। वे पूरे प्रदेश में उद्योगों को जमीन आवंटन हेतु आ रहे हैं, क्योंकि रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए जावद से उनकी जो शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे दोनों मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी एवं ओम प्रकाश सकलेचा जी भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी, नवीनकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप डंग जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी एवं सभी पार्टी के पदाधिकारी वगैरह सभी यहां रहेंगे और यहां से ही पूरे प्रदेश को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यहीं पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में उद्योगों को आशय पत्र के वितरण करेंगे। उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया का पलक पावड़े बिछा कर इंतजार कर रहे हैं और स्वागत करने के लिए तैयार है। जावद कृषि उपज मंडी की अगर बात की जाए, उसके अलावा और कौन कौन से मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम है जावद नगर में? जावद कृषि मंडी के अलावा जिला पदाधिकारियों की बैठक और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी प्रस्तावित है जावद नगर में। साथ ही जावद कॉलेज में भी कुछ भूमि पूजन वगैरह लोकार्पण कर कुछ लोकार्पण और अनेकों प्रकार के लोकार्पण और अनेकों प्रकार के प्रदेश में सौगातें देंगे मुख्यमंत्री जी यहाँ से। लगभग 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम। जो माननीय सीएम साहब का कार्यक्रम 30 तारीख को प्रस्तावित है, ये उद्योग और एमएसएमई विभाग के द्वारा, दोनों विभागों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एलओआई जो अनेक उद्योग जो प्रदेश भर में लग रहे हैं और नीमच डिस्ट्रिक्ट में भी लग रहे हैं, उनको सीएम साहब द्वारा उस दिन प्रदान किया जाएगा। और इससे पूरे ही प्रदेश में और साथ में नीमच जिले में, क्योंकि उद्योग बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार बढ़ेगा, मिलेगा, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा ही स्वागत मिलेगी पूरे प्रदेश को। उसको इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और कौन कौन वीआईपी लोग आएंगे इसमें? अभी एकदम तैयारियों में तो सीएम साहब का प्रोटोकॉल रहता है, उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल रहता है और कुछ गाइडलाइंस रहती हैं जिसको पालन हमें सुनिश्चित करना रहता है, उसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। माननीय अतिथियों में तो अभी जो माननीय दोनों विभाग के जो मंत्री हैं उनका आना तो तय है, और बाकी जो मंदसौर में मंत्री जी हो सकते हैं वो लोग आए। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।